गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के सामने आने के बाद देश भर में भारतीय अमेरिकी समुदाय गुस्से में है। इसे हेट क्राइम करार देते हुए वहीं फूलबाग स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा में नगर के साहित्यकार सामाजिक संगठन ने पुष्पांजलि अर्पित करने गांधी प्रतिमा पर पहुंचे तो हमेशा की तरह ताला बंद पड़ा था, जिसके विरोध पर ताला खुलवाने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए एडीएम सिटी के माध्यम में महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग की, इसके दोषियों को जल्दी पकड़कर सजा देने की मांग की गई है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं। अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा, महामानव की प्रतिमा तोड़ी गई है कांस्य की, और भारत सरकार ने वो प्रतिमा दी थी अमेरिका की सरकार को, उसको रखना चाहिए सुरक्षित। एक प्रकरण वो है। दूसरा प्रकरण है 30 जनवरी को हम लोग गांधीवादी लोग, सामाजिक लोग माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने आए थे, गए थे फूलबाग में, जो प्रतिमा लगी थी गांधी जी की लगी है उस पर पुष्पांजलि करने। तो पुष्पांजलि जब हम लोग करने गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था, उसका भी विरोध हम लोग आज दर्ज कर रहे हैं, जबकि हर बार लगा रहता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम लोग डीएम ऑफिस आए, एक डीएम साहब को देंगे या एडीएम साहब को देंगे। राष्ट्रपति को संबोधित है अमेरिका वाला, और डीएम को संबोधित है कानपुर के प्रकरण पे। लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अमेरिका में जिन्होंने कार्य, और कानपुर में जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनको ताले कभी नहीं पड़ने चाहिए जहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं। लोकतांत्रिक हम लोगों का अधिकार है, जनता का अधिकार है। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। जो कि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।